हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे ऑफिस में डेकोरेशन चल रहा है बढ़िया, मतलब दिवाली के उपलक्ष्य को लेके। कल हमारे यहाँ पे दिवाली का प्रोग्राम रखा गया बहुत अच्छा, तो अभी डेकोरेशन चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, पूरा डेकोरेशन की वीडियो बताऊँगा इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग को पूरा वॉच करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें, मैं सब बताऊँगा। अभी पूरा प्रॉपर अपडेट दूंगा आपको कि ऑफिस कैसा डेकोरेट हुआ, किन किन ने डेकोरेशन करा। अभी हमने सारा डेकोरेशन करा, दोनों कर रहे थे बहुत सारा, लाइटिंग वगैरह सब लगा दी है। उसके बाद हम बैठ गए हैं, अब हम बैठे। अभी मैं पूरा आपको बता देता हूँ, मुझे जल्दी घर जाना था, बाकी मैं डेकोरेशन के लिए गया भी नहीं। अभी पूरा डेकोरेशन आपको वीडियो के अंदर बता देता हूँ, आप सभी देखें डेकोरेशन और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। अभी मैं आपको शुरू से गेट से लेकर यहाँ तक का पूरे ऑफिस का डेकोरेशन बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में। ये फ्री हफ्ते लोगों ने, ये देखो हमारे ऑफिस के बाहर का व्यू है, कितने प्यारे प्यारे सब जगह लाइटें लगी हुई है दिवाली के पहले, मतलब बहुत अच्छा ही लगता है। बहुत प्यारे तरीके से सब कुछ डेकोरेट किया गया है। ये बिल्डिंग देखो कितनी प्यारी लाइटें इस पे लगाई गई है, ये बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे से। दिवाली तो सबका मतलब मनपसंद फेस्टिवल होता है, इस पे बहुत मज़ा आता है और सभी बहुत इंजॉय करेंगे। सारा इंजॉयमेंट मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगा, आप सभी वॉच करना पूरा और लाइक कमेंट शेयर भी करना। बाय। मैं अंदर का आपको बताता हूँ धीरे धीरे, पूरा अंदर की ओर धीरे धीरे ले जाता हूँ। हमारे यहाँ पे दो रूम है, एक इधर भी जाते हैं एक इधर भी। ये फर्स्ट इधर साइड जाते हैं तो ये देखो फ्रंट पे ही कितनी प्यारी मूर्ति रखी। और ये बोतल हटाना पूरा प्रॉपर बताएंगे, ताला भी हटाना, ताला भी, ताला भी हटाना। ये देखो कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति रखी और इनको यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे प्यारी प्यारी लाइटें लगी हैं और ये प्यारी सी मूर्ति का डेकोरेशन हुआ है। अर्ष भैया के साथ पूरा बताएंगे वो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। चलो आगे की ओर चलते हैं। ये पूरा डेकोरेशन हर्ष भैया ने बहुत मेहनत से किया है, और यहाँ पे करण कुछ कुछ कर रहा था, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है इसमें, एचआर ने किया है सब जो भी। ये एचआर मैम ने कुछ करा होगा, पता नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, इधर करण डेकोरेशन कर रहा है, बाकी इधर ये अच्छा और डेकोरेशन हो गया थोड़ा थोड़ा। ये यहाँ पे भी फूल वगैरह लग गए हैं, छोटे छोटे फूल लगे प्यारे से, और एक फूल यहाँ पे नीचे। इधर यहाँ पे काम चल रहा है, इधर इधर देख लेते हैं अपन। ये हमारा डीलर्स के भी नहीं, यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं अभी, कुछ सजा ही नहीं यहाँ पे। क्या क्या ये बच्चा कुछ बोला था, बोल नहीं रहा। क्या 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 वापस बोलना, जरूरत भी नहीं है। हैरान परेशान घूम रहे मरीज यहाँ पे से। अभी ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, इनको कुछ काम नहीं रहता, दोनों लड़ रहे हैं कंजर उनकी तरह। ये ब्लॉग में क्या आने के लिए हाँ लग रही है, ये जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ बंद हो जाते, लड़ते कंजर होने पर दोनों। क्या डोरेमोन की गैजेट नहीं निकाल रही है, लग रहा है ना बम बम, ये नील गाय, नील गाय, नील गाय, हाँ लग रही है, नील गाय लग रही, नील गाय पक्का, नील गाय लग रही, हाँ। इधर भी प्यारा सा डेकोरेशन हो गया, ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल वगैरह फ्लावर वगैरह लगाए गए यहाँ पे। अभी पंकज भैया बहुत देर के डेकोरेशन कर रहे हैं, बताओ पंकज भैया क्या करा आपने अभी? ये देखो इतना प्यारा डेकोरेशन यहाँ पे किया ऑफिस में, मतलब कल दिवाली सेलिब्रेट होगी। योगू भी काम कर रहा है, गांव का छोरा, देसी लाइट फिटिंग कर रहा है, क्योंकि गांव के लोगों को मोटर वोटर पानी नहीं चलाते, लाइट फिटिंग का बहुत याद रहता है। उसने डोरी ओरी सब मंगा ली, अब वो पूरी फिटिंग करेगा और पंकज भैया भी हेल्प करेंगे उसकी। और इधर से धीरे 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 चले जाते हैं तो अंदर की ओर भगवान के पास भी थोड़ा सा डेकोरेशन हो गया है। इसमें दीपक लगेगा, यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं सकते। ये केबिन में बिल्कुल भी डेकोरेशन नहीं हुआ है, कोई डेकोरेशन नहीं हुआ है यहाँ पे। ये मैम बैठे हैं, क्या कर रहे हो मैडम? नींद आ रही है कि मैडम को बुरा लग रहा है, इनको चीज ला के नहीं दिया आज कोई ने भी, तो ये रो रहे थे। इधर का केबिन में कुछ डेकोरेशन नहीं हुआ, यहाँ पे सब आलसी लोग रहते हैं इनके जैसे, इसलिए ये पूरा ऑफिस डेकोरेट हो गया है। सबसे प्यारा ये हमारा जहाँ पे हम बैठते हैं ये डेकोरेट हुआ है। ये भी झूमर लगा यहाँ पे, कितना प्यारा झूमर लगा है। अमेरिका से इंपोर्ट किया, ये कहाँ से इंपोर्ट किया? अमेरिका से इंपोर्ट, अमेरिका से इंपोर्ट किया ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं,
ये चार मैम बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। अभी जाएंगे वो कुछ न कुछ लगाने। करण लंबा है तो उसका फायदा उठाया जा रहा है, और करण की टी शर्ट पे बहुत अच्छी प्रतिमा बनी हुई है। कल का और आज का मिला के फिर डालेगा तो कुछ तो कहते दिवाली के बारे में, क्या बोलूं? कुछ भी बोल ले मुझसे। दिवाली का त्योहार है, बोल दे। मिठाई मिलेगी इसको दिवाली पे, खूब खाएगी, खा के डबल होके आएगी अगली बार से। अब भाई दरवाजा अपने पास इतना बड़ा ही है, दरवाजे को बड़ा करवा देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बस 200 किलो बस। तो तू 200 किलो की होगी। ये बात आएगी इसके नेक्स्ट व्लॉग में। तो तू 200 किलो की हो जाएगी अब। अरे आप ये बात करो, देखो एक में भी लिया उसने। पोपट कर दी इस लड़के की बेइज्जती करी है। देखो देखो गांव वालों सुनो, अरे लड़ रही थी उसको, ये हमारा पोपट लाल है। मेरी बात सुनो, गांव वालों दिए का तेल नहीं ढुलका, देखना आराम से। अरे ये भी तो दिखा ऊपर। मेरी बात सुनो, इसका चश्मा ना फूट जाए। और ये हमारी नील गाय है, हमारे ऑफिस की नील गाय है। आज इनको नामकरण हुआ इनका नील गाय के नाम से। आप सभी ने अभी डेकोरेशन देख लिया, कल पूरी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे हम, वो बताएंगे। विशा का हाई येलो कर रही है, ये हमारी नीली गाय भी बैठी हुई है यहाँ पे। कल प्रॉपर सब ट्रेडिशनल पहन के आएंगे। बाकी मेरा कुर्ता घर रहेगा तो पता नहीं मैं पहन के आऊँगी नहीं, देखेंगे सब कल ही देख लेंगे। तो कहाँ से पहनेगा? मेरे पे है, पिछले ब्लॉग में सबने देख रखा है। मांग मांग के पहनता है। ठीक है मैं कैसे भी पहनता हूँ, पर मैं काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही, तो बाय बाय, अब अगले ब्लॉग में।